बॉलीवुड के इतिहास में जिसकी रही सबसे ग्रैंड डेब्यू, अपनी पर्सनालिटी से जो लाखों दिलों को कर देते हैं घायल, आज सुनाएंगे आपको उसी की कहानी। समझ तो गए ही होंगे आप कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैंडसम हंक ऋतिक रोशन की। फिल्मों में जैसी शुरुआत ऋतिक रोशन को मिली, वैसी शुरुआत पाना बॉलीवुड के सितारों का सपना होता है। क्या कोई सोच सकता है जिसकी पहली फिल्म की फीस सिर्फ 100 रुपए हो, वो बॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन जाएगा। जो बच्चा बोलने में हकलाता था, एक दिन उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाएंगे। एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन और पिंकी रोशन के घर 10 जनवरी 1974 को ऋतिक का जन्म हुआ। उनका पूरा परिवार सितारों से भरा हुआ था। पिता एक सक्सेसफुल एक्टर और प्रोड्यूसर थे, तो चाचा राजेश एक म्यूजिक कंपोजर। ऐसे में बचपन से ही ऋतिक पर अपने पिता और चाचा से आगे निकलने का प्रेशर था। लेकिन ऋतिक थोड़े से अलग थे। अलग ऐसे क्योंकि उनके दाहिने हाथ में एक एक्स्ट्रा उंगली है, जिसके कारण बचपन में उनके दोस्त उनसे अलग थलग रहते थे। क्या आपको पता है, बचपन में ऋतिक बोलते बोलते हकलाते थे, जिसके कारण उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कर वो इन सब से उबरे। हम सब तो यही जानते हैं कि कहो ना प्यार है से ऋतिक ने बड़े पर्दे पर कदम रखा था, लेकिन सच्चाई ये है कि इससे 20 साल पहले ही बड़े पर्दे पर अपना जलवा बिखेर चुके थे ऋतिक। दरअसल 1980 की फिल्म आशा में ऋतिक पहली बार चाइल्ड एक्टर की भूमिका में नजर आए। इस फिल्म के डायरेक्टर उनके ही दादाजी प्रकाश ही थे, और उन्होंने फीस के तौर पर 100 रुपए दिए थे ऋतिक को। इसके बाद आपके दीवाने, आसपास, भगवान दादा में उनको काम मिला। कहते हैं कि शेर की जुबां पर जब खून का स्वाद लग जाता है, तब उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ ऋतिक के साथ भी। चाइल्ड एक्टर बनते बनते अब उनको बनना था फुल टाइम एक्टर, लेकिन पिता राकेश रोशन ने कहा कि एक्टिंग का भूत उतारो और फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। बस फिर क्या था, पिता की कही बात पत्थर की लकीर बन गई और उन्होंने सिडनम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने पिता के साथ कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। कोयला और करण अर्जुन इसमें खास है, लेकिन बड़ी मंजिल को पाने में अभी समय था। इससे पहले उनको कई चुनौतियों का सामना करना था। जवानी में ही उनको स्कोलियोसिस नाम की बीमारी हो गई, जिसके कारण वो बिल्कुल भी डांस और स्टंट नहीं कर सकते थे। उनके जीवन में मानो घना अंधकार सा छा गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरी हिम्मत से लड़ाई की और फाइनली अपनी इस बीमारी से खुद को उभारा और लग गए बड़े पर्दे की सुपरस्टार बनने की दौड़ में। लीड हीरो के रूप में उन्होंने राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है से शुरुआत की। फिल्म में उनके ऑपोजिट एक और डेब्यूटांट अमीषा पटेल थी। वो फिल्म सुपर हिट साबित हुई। ऋतिक और अमीषा की जोड़ी खूब पसंद की जाने लगी। जैसी ओपनिंग ऋतिक को मिली थी, वैसी ओपनिंग शायद ही किसे मिली हो। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिजा, मिशन कश्मीर, यादें, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में उन्होंने की। फिर उनके जीवन में एक ठहराव आया। जो सुर्खियां उन्होंने पहली फिल्म से बटोरी थी, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी। उसके बाद पिता के नाम का प्रेशर भी था, लेकिन फिर 2003 में कोई मिल गया आई और उसने क्या गजब कारनामा करके दिखाया।
क्रिश ने बॉलीवुड को उसका पहला सुपर हीरो दिया। बच्चा बच्चा क्रिश बनने का सपना देखने लगा। अग्निपथ, बैंग बैंग, वॉर, सुपर 30, क्रिश 3 से उन्होंने अपने नाम का झंडा गाड़ दिया और अब लोगों को उनकी फाइटर का बेसब्री से इंतजार है। चलिए जरा अब बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। सुजान खान से 2000 में ही शादी की थी। उन्होंने 14 साल की शादी के बाद 2014 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। दोनों के दो बेटे भी हैं, रेहान रोशन और रिधान रोशन। ऋतिक के जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहा। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब कंगना रनौत से उनका नाम जुड़ा और उसको लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई। बात कोर्ट तक पहुंच गई। आजकल उनके और सबा आजाद के बीच का प्यार बॉलीवुड का हॉट टॉपिक है। आज ऋतिक रोशन को लोग ग्रीक गॉड भी कहते हैं। जो ऋतिक आज अपनी फिटनेस, डांसिंग और स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं, एक समय था जब उनको यही सब करने से रोक दिया गया था। ऋतिक की कहानी हमें बताती है कि कैसे अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती बनानी है। खैर, ये तो ऋतिक के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ थी। उनकी कहानी इससे भी बड़ी और विशाल है। हम तो अब यही चाहते हैं कि ऋतिक हमारा यूं ही मनोरंजन करते रहे। बाकी ऋतिक की कौन सी फिल्म है आपकी फेवरेट और कैसी लगी आपको ऋतिक की ये कहानी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।